नमस्ते बच्चों, मेरा नाम दिनेश कुमार है और मैं रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट संस्था से हूँ। और मैं हूँ मेघा। आज हम आपके लिए एक मजेदार कहानी लेकर आए हैं और इस कहानी का नाम है अनोखा संसार। बच्चों, इस कहानी को लिखा है मंजू गुप्ता ने और इस कहानी के सुंदर सुंदर चित्रों को बनाया है अजंता गुहा ठाकुरता ने। राजस्थान के एक गांव में हर साल सीतावाड़ी का मेला लगता है। इस साल मेले में लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई। उसने बेचने के लिए तो राजस्थानी पगड़ियां रखी, पर दुकान को देश भर में पहने जाने वाली दूसरी पगड़ियों से भी सजाया। तरह तरह की पगड़ियों की वजह से इस दुकान की बातें सभी जगह हो रही थी, मेले में भी और आसपास के गांव में भी। तरह तरह की पगड़ियों को देखकर लोग अचरज में थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी, झूले और मिठाइयों की दुकानें भी बंद होने लगी। लालचंद भी अब थक चुका था। उसने पगड़ियों की दुकान बंद की और सोने चला गया। अब पगड़ियां बिल्कुल अकेली थीं, तो चल पड़ा आपस में परिचय का दौर। राजस्थानी पगड़ी ने कहा, रंगों से भरी मैं, फर फर उड़ी मैं, राजाओं की आन रही हूँ और सभी की शान रही हूँ। पंजाब की पगड़ी ने नाचते गाते हुए कहा, बल्ले बल्ले सरदार की पगड़ी मतवाली, भंगड़ा मेरे बिना है खाली। अब सबसे अलग दिख रही सुंदर सजीली पगड़ी की बारी थी। उसने कहा, मैं हूँ दूल्हे की पगड़ी, मुझे न समझो अगली पगली, मैं दूल्हे की शान हूँ और बारात की जान हूँ। नौ हाथ मेरी लंबाई, खेतीहरों की शान बढ़ाई, पहने मुझे देश भर के किसान, बढ़ा देती हूँ सबकी शान। सभी पगड़ियां उसकी लंबाई देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गईं। अब आखिरी पगड़ी जो बड़ी देर से टुकुर टुकुर सबको देख रही थी, वह मुस्कुराई और बोली, मोटा मोटा मेरा सेठ, तोंद निकाल कर जाता लेट, पहचाने हैं मुझे सभी, मैं हूँ मारवाड़ी की पगड़ी। आधी रात बीत चुकी थी, पर पगड़ियां अभी भी अपनी बातों में इतनी मस्त थीं कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं हो रहा था। पूरा मेला सो चुका था, पर पगड़ियों की दुकान से बतियाने की आवाजें अभी भी आ रही थी। सुबह हो गई, लालचंद सोकर उठा और दुकान का पर्दा हटा दिया। धीरे धीरे बच्चों की भीड़ दुकान के सामने इकट्ठी हो गई। लालचंद, पगड़ियां और बच्चे सभी बहुत खुश थे। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? चलो अब इस कहानी पर थोड़ी बातचीत करते हैं। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई। बच्चों, क्या आपको भी मेलों में जाना पसंद है? अगर हाँ तो बताओ, आपको मेलों में कौन कौन सी दुकानों पर जाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? बच्चों, यह चित्र तो आपको याद ही होगा। किसान की पगड़ी की बात सुनके सभी पगड़ियां उसकी लंबाई देखकर आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखती रह गई। बच्चों, आपको क्या लगता है, सभी पगड़ियां अपने मन में उस समय क्या क्या सोच रही होंगी, जरा बताओ। बहुत बढ़िया बच्चों, आशा है आपको इस कहानी में बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही
खूब पढ़ना। हम ऐसी ही एक और मज़ेदार कहानी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।